हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम रेखा खोला। आज 10th क्लास का जो है 5th चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लें, ठीक है। आगे देखिए, लेट्स गेट स्टार्ट। कॉपर। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। बींग मेलिएबल्स, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। भारत में तांबे के भंडार का जो उत्पादन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग जो है बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो रसायन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट जो खदान है, झारखंड का सिंहभूमि जो है तांबे का मुख्य उत्पादक है, और जो राजस्थान की खेतरी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। बॉक्साइट। नेक्स्ट हमारा है बॉक्साइट। दो सेवल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिनियम एंड लिटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स विच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। एल्यूमिनियम इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल्स बिकॉज इट कम्बाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिबिलिटी। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। देखिए बॉक्साइट में क्या बताया है कि यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक जो है एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। बॉक्साइट जो निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है और ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और जो है सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक जो है घातवदनीय, यानी कि इसमें अत्यधिक जो है मेलिबिलिटी भी पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भारत में बॉक्साइट की जो निक्षेप है अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ओडिशा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया विद 34.97% ऑफ द कंट्री टोटल प्रोडक्शन इन 2009-10। पंचपत माली डिपॉजिट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट। देखिए ओडिशा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, और जहां 2009-10 की बात करें तो देश के 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ है, ठीक है। और यहां पर जो है कोरापुट जिले में पंचपत माली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। आगे देखिए, इसमें नॉन मेटालिक मिनरल्स। माइका इज अ मिनरल मेड ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। इट्स स्प्लिट इजीली इनटू थिन सीड्स। दी सीड्स कैन बी सो थिन दैट अ थाउजेंड्स कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका सीड्स ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर्स हाई। माइका कैन बी क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन ड्यू टू इट्स एक्सेलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर्स, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। देखिए इसमें क्या बताया है कि जो अभ्रक है एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों में कम पाया जाता है। इसके चादरों में स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें महीन हो सकती हैं। इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक जो है पारदर्शी है, काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग का हो सकता है। इसकी जो सर्वोच्च जो है विद्युत शक्ति ऊर्जा हाश का निम्न गुणांक और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण क्या होता है कि जो अभ्रक है विद्युत और इलेक्ट्रिक उद्योगों में प्रयुक्त होने के लिए अपरिहार्य खनिजों में से एक है, ठीक है। आगे देखिए, माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट्स ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। यानी कि जो अभ्रक है निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक हैं, ठीक है। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इन अराउंड अजमेर, नल्लोर, माइका बेल्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री। यानी कि राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं, और आंध्र प्रदेश की जो नल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। देखिए आगे, रॉक मिनरल्स। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल्स फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। देखिए जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर कैल्शियम
कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये जो औषधीय चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। लो प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का जो है क्रियान्वयन अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिजों का जो है संरक्षण। वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल्स रिसोर्सेज दैट required millions of years to be created and concentrated. The geological process of minerals formations are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rate of consumptions. Minerals resources are therefore finite and non-renewable. Rich minerals deposits are our country extremely valuable but short-lived positions. Continued extraction of ores lead to increasing cost as mineral extraction comes from greater depth along with decreasing quality. देखिए इसमें जो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में क्या बताया कि खनिजों का संरक्षण, कि हम सभी का जो है उद्योग और कृषि के खनिज निक्षेपों और जो उनसे विनिर्मित जो पदार्थों पर भारी निर्भरता है। खनन योग्य निक्षेप की जो है कुल राशि भू प्रॉपर्टी का जो है 1% है। ठीक है, जिस खनिज संसाधनों के निर्माण और जो है निर्माण जिस खनिज संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, खनिज निर्माण की जो प्रक्रियाएँ हैं बहुत धीमी होती है, उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में पुनर्भरण की जो दर है वो थोड़ी है। ठीक है, और खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की जो है मूल्यवान संपत्ति है। अयस्कों के उत्खनन से लागत बढ़ती है और खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ ही उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। कंसर्टेड एफर्ट्स हैज़ टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज़ मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर्स। इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड्स और एट लो कॉस्ट। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप इन कंजर्विंग आवर मिनरल्स रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। देखिए खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना चाहिए और धातु का जो है पुनर्चक्रण और जो है धातु का प्रयोग और अन्य धातु का पुनर्चक्रण रद्दी धातुओं का प्रयोग और जो है अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग जो है भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू प्रोपेल व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। फायरवुड्स एंड कैटल डंग्स केक्स आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन रूरल हाउस होल्ड्स इज मेट बाई दीज टू। कंटिन्यूशन ऑफ दीज इन इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरियाज। मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू इज बींग डिस्करेज्ड बिकॉज इट कंज्यूम मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर्स विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर। देखिए इसमें क्या बताया है, एनर्जी रिसोर्सेज में क्या बताया है कि ऊर्जा सभी काम के लिए आवश्यक है। ठीक है, खाना पकाने में जरूरत होती है उसकी, रोशनी के लिए, ठीक है, गाड़ियों के संचालन के लिए, उद्योगों के लिए, ठीक है, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऊर्जा का जो उत्पादन है वो ईंधन खनिजों जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है और विद्युत से किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, परंपरागत साधनों में जो है लकड़ी है, उपले है, कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत, और गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल की जाती है।
ठीक है। ग्रामीण भारत की जब हम बात करते हैं तो लकड़ी और उपले बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का जो है 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण क्या होता है कि इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, कोल इन इंडिया। कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स। इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशन एनर्जी नीड्स। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट्स टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। यानी कि कोयला जो है, भारत में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मतलब जीवाश्म ईंधन के रूप में पाया जाता है, और ये देश की जो ऊर्जा आवश्यकताओं का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और इसका उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले पर निर्भर है, ठीक है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कोल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कोल देयरफॉर इज फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन। देखिए आगे, एंड द डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल्स डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्स प्रोड्यूस पीट विच हैज़ अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। लिग्नाइट्स इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल्स विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नवेली इन तमिलनाडु एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर्स इज बिटुमिनस कोल। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल्स विच हैज़ अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इज इन ब्लास्ट फर्नेस एंथ्रासाइट्स इज द हाइएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया है कि जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि कोयले का जो निर्माण है वो पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, ठीक है। संपीड़न की मात्रा और गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है, ठीक है। और जो ये पादप हैं, जो यानी कि पेड़ पौधे हैं जो दलदल में दब जाते हैं और जिनसे क्या होता है कि पादपों से पीट उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसमें कम कार्बन और नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट क्या होता है, एक निम्न कोटि का कोयला होता है, भूरा कोयला होता है, ठीक है। और जो है यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, एंथ्रासाइट जो है हाई क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है, जो सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है एंथ्रासाइट। और लिग्नाइट क्या होता है कि एक निम्न कोटि का कोयला होता है, और लिग्नाइट जो है मुलायम होने के साथ अधिक नमीयुक्त होता है, ठीक है। और लिग्नाइट के जो प्रमुख भंडार हैं वो तमिलनाडु की जो नवेली में मिलते हैं और जो विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबी और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, ठीक है। वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिटुमिनस कोयले को वाणिज्यिक प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। और जो मैंने बताया था पहले भी कि एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, ठीक है। इन इंडिया कोल्स ऑकर इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एज, नेमली गोंडवाना अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज एंड इन टेरिस्ट्री डिपॉजिट्स विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल्स विच आर मेटलर्जिकल कोल्स आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो आर इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स। द गोदावरी, मानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। देखिए इसमें क्या बताया है, कि भारत में जो है कोयला दो शैलों में पाया जाता है। एक जो है गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से भी अधिक कुछ अधिक है, और दूसरा जो है टर्शियरी निक्षेप से जो लगभग 55 लाख वर्ष पुरानी है, ठीक है। गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है, और ये इसका जो प्रमुख संसाधन है वो दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। और गोदावरी, महानदी, सोन, देखिए आगे, गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। तर्शी कोल्स ऑकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। यानी कि तर्शी कोयला क्षेत्र जो है उत्तर पूर्व राज्यों मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। रिमेंबर कोल इज अ बल्की मटेरियल्स।
which loses weight on use as it is reduced to ash. Hence, heavy industries and thermal power stations are located on or near the coal fields. यानी कि याद रहे कि भाई जो कोयला है ये स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर जो है भार घटता है और ये राख में परिवर्तित हो जाता है. इस कारण से जो भारी उद्योग और ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र और इसके निकट ही स्थापित किए जाते हैं. पहले हम देखेंगे मैप. कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. देखिए कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में क्या देखेंगे, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी कि कोयला क्षेत्र कहाँ मिलता है, कोयला खाने, तेल क्षेत्र, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये देखेंगे. अभी कोल फील्ड्स देखें तो ये हैं, देखो कहाँ कहाँ हैं, ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में, ठीक है. इधर जो हम ये देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ से हैं कि थोड़ा सा हिस्सा जो मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का है, झारखंड का है, ठीक है, कुछ तो है, पश्चिम बंगाल का भी है. इधर जब हम देखते हैं तो ये है, ये आसाम और मेघालय, ठीक है. और भी देखें तो हम नीचे नेवेली में, तमिलनाडु में जो नेवेली है ये भी कोल फील्ड है, ठीक है, यानी कि कोयला क्षेत्र है. अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारा जो है कोल माइंस. कोल माइंस कहाँ कहाँ मिलते हैं, नीचे से चलते हैं. नेवेली में भी कोल माइंस है, सिंगरेनी में भी, यानी कि नेवेली जो तमिलनाडु में है, सिंगरेनी जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है. आगे देखते हैं इसमें कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, तलचर जो है उड़ीसा में है, बोकारो झरिया जो है झारखंड में है, रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है. नजीरा असम में है, मैकुम ये भी असम में है, मैकुम. सिंगरौली की रोली जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है. आगे हम देखते हैं इसमें ऑयल फील्ड्स. बसीन में, मुंबई हाई में, मुंबई हाई में, ठीक है, कलोल में, अंकलेश्वर में, गुजरात में अंकलेश्वर है, कलोल भी गुजरात में है, ठीक है. दूसरा हमारा आता है यहाँ पर देखिए असम में डिगबोई, नहरकटी असम में, शिवसागर भी असम में है, ठीक है. आगे देखिए मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स, ये देखिए तमिलनाडु के इधर साइड में, बाहर की साइड में, और ये मुंबई हाई के इधर है, ठीक है. जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है वहाँ पे नेचुरल गैस मिलेगी. और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के इस हिस्से में, ठीक है, यहाँ पर त्रिपुरा में भी. आगे देखिए इसमें नेक्स्ट हमारा है HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन. ये आप देख सकते हैं इधर सोनीपत, दिल्ली, साहिबाबाद, बबराला जो है, और यहाँ से जो है होता हुआ ऐसे जगदीशपुर, फिर ये अंता, विजयपुर इधर होता हुआ, ये जो है झाबुआ, वडोदरा, अंकलेश्वर और फिर हजीरा तक जाएगा, ठीक है. ये हमारा जो है HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.